तो ये सामने का लुक आप देख पा रहे हैं मकान का। पहले मैंने दिखाया था कि इसमें गार्डर फिट किया, चैनल फिट किया, जैक फिट किया, उनके बाद इनको उठाया और लगभग 3 फीट उठाया अभी, और बाकी सारे बंदे उठा रहे हैं। तो दीवार समेत छत उठ रही है नींव से। इसमें एक बीम आप देख पा रहे होंगे जो तेगा बीम जिसको बोला जाता है, 2 सरिये का। तो ये बीम लोड नहीं ले पाती है, अगर प्लिंथ बीम होती 4 सरिये का तो लोड ले पाती, लेकिन ये तेगा बीम लोड नहीं ले पाती है, जिस वजह से गार्डर ये फिट किया गया था। तो बाकी 2 पार्टों में मैंने बता चुका है कि किस तरीका से फिट हुआ है। ये 3rd पार्ट है, ये 3 फीट उठा है, लगभग में 7 इंच और उठेगा। तो ये सामने का आप लुक देख पा रहे हैं, इसका मकान का पूरा सामने का लुक है। ये बनेरा वगैरह सारा एक साथ उठ रहा है। ये मेन गेट हुआ, ये 1300 फीट स्क्वायर फीट समथिंग है, 1200 के आसपास। आप जहाँ तक देख पा रहे हैं कि इस मकान को जड़ से यानी नींव से लगभग 3 फीट 3.5 फीट उठाया गया, और टोटली मकान अभी जैक पे लोड लिए हुआ है, और कहीं भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैं तो गार्डर है, गार्डर के नीचे जैक है, और अगर बीम होती इसमें तो गार्डर नहीं लगती। बीम नहीं होने की वजह से गार्डर लगाया गया लोहे का। आप भी चाहते हैं कि मकान 5 मंजिल तक, ये एक ही मंजिल है, 5 मंजिल तक के मकान को उठा सकते हैं, 3 मंजिल तक के मकान को एक जगह से दूसरी जगह खिसका कर शिफ्ट किया जा सकता है, और मकान को डाउन भी किया जा सकता है अगर आप करवाना चाहते हैं तो। ऑल इंडिया मेरा सर्विस है, मेरा मोबाइल नंबर है 8434121308, 8434121308। तो आप अभी बैक कैमरा से मैं इसको अंदर का दिखाऊंगा व्यू, सारा व्यू देख पा रहे हैं। लगभग ये 1300 स्क्वायर फीट एरिया है, आगे मिस्त्री लगे हुए हैं जो चुनाई के लिए तैयार है, अब चुनाई होगी इसमें। सद्दाम इधर देख, तो हमारे मिस्त्री जी सद्दाम जी, और किसी भी टाइप का दीवारों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये मेरी गारंटी है कि दीवार क्रेक नहीं करेगा, ना तो छत में किसी टाइप का प्रॉब्लम है। एग्रीमेंट बना